सोनभद्र से हमारे बीच संवाददाता आदरणीय राजेश पाठक जी का हम स्वागत करते हैं। आदरणीय पाठक जी, हमें बताएं कि आज किन मामलों में किसको किसको कितनी सजा हुई है। आदरणीय पाठक जी। जी भाई साहब, सत्र न्यायाधीश रजत सिंह जैन की अदालत ने मंगलवार को बीरबल हत्याकांड के मामले में दोषी सिद्ध पाकर दोषी बाबूराम अगरिया को उम्र कैद एवं 30,000 रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं तीन आरोपियों दिनेश, सुरेश एवं सुब्बे लाल अगरिया को दोष मुक्त करार दिया। अभियोजन पक्ष के मुताबिक बीजपुर थाने में दी तहरीर में गोपाल शाह ने आरोप लगाया था कि उसका लड़का बीरबल जब दिनांक 26 अप्रैल 2018 को घर पर सो रहा था, तभी दोपहर करीब 12 बजे बीजपुर थाना क्षेत्र के अनजानी निवासी सुरेश, दिनेश एवं छत्तीसगढ़ के गुडूर निवासी सुब्बेलाल घर पर आकर बेटे को ताश खेलने के लिए जगाकर जंगल की ओर लेकर चले गए। कुछ देर बाद करीब 1 बजे जब लकड़ी लेने जंगल की ओर रामू के साथ जाने लगा तो देखा कि हाथ में कुल्हाड़ी लेकर बाबूराम अगरिया जहां गुलर के पेड़ के नीचे सभी ताश खेल रहे थे पहुंचा और मौके पर मौजूद बेटा बीरबल के गर्दन के ऊपर ताबड़तोड़ प्रहार करने लगा। जब तक मौके पर लोग पहुंचते तब तक वह जंगल की ओर भाग गया। इस तहरीर पर बीजपुर पुलिस ने FIR दर्ज कर मामले की विवेचना किया और पर्याप्त सबूत मिलने पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषी सिद्ध पाकर बाबू राम अगरिया को उम्र कैद एवं 30,000 रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं सुरेश, दिनेश एवं सुब्बे लाल को दोष मुक्त करार दिया। अभियोजन की ओर से प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता श्री शशांक शेखर कात्यायन ने बहस की। जानकारी देने के लिए आदरणीय राजेश पाठक जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब।